रमजान का पाकीज़ा मुबारक और मुकद्दस महीना चल रहा है और इस महीने में हमें अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सवाब के काम करने चाहिए। और इस रमजान के मुबारक महीने में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम किसी न किसी तरह से अपने रब को राजी कर ले। रमजान का महीना बहुत ज्यादा मुबारक और बरकतों वाला महीना होता है और इस महीने में हमें अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए, अपनी तस्बीहात को बढ़ा देना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप सभी को पढ़ने के लिए ज्यादा सवाब वाले और गुनाह को कम करने वाली तस्बीह बताऊंगा, यानी के गुनाह को खत्म करने वाले वजीफे बताऊंगा, जिनको पढ़ने से आपके खाते में ज्यादा से ज्यादा नेकियां लिखी जाएंगी और आपके गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि रोजा रखना है और फिर उसके बाद पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है और उसके बाद जो वक्त बचे उसमें आपको कुरान शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद जो वक्त बचे उसमें आपको ये तस्बीहात पढ़नी है। नंबर एक, आपको कलमाए तय्यबा यानी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। कम से कम रोजाना आपको 3-4 तस्बीह पूरी करनी है कलमाए तय्यबा की। दूसरे नंबर पे आपको अस्तगफार ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। चाहो तो आप पूरी अस्तगफार पढ़ सकते हो जो कि इस तरह से है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैही। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसकी भी आपको रोजाना 3-4 तस्बीह पूरी करनी है। तीसरे नंबर पर आपको तीसरा कलमा पढ़ना है जो कि इस तरह से है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। नंबर 4 पर आपको आयतुल कुर्सी ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। नंबर 5 पर आपको कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। नंबर 6 पर आपको दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। दरूद शरीफ आपको वो पढ़नी है जो नमाज में पढ़ी जाती है। वैसे तो दोस्तों बताने के लिए बहुत सारी तस्बीहात है लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप इन्हीं पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा और नफा होगा।